हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते होंगे अच्छे होंगे। आज स्टार्ट किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का सेकेंड लेक्चर, ठीक है? ताबड़तोड़ तरीके से स्टार्ट किया जाएगा। इसमें हम पढ़ा जाएगा ओम ला क्या होता है, सीरीज क्या होती है, पैरेलल सीरीज, रेसिस्टेंस, सीरीज में जो लगाई जाती है, जैसे कोई रेसिस्टेंट लगा दिया, रेसिस्टेंट क्या होता है, ओम ला, जॉर्ज साइमन जो 1827 में ओम ला दिए थे उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक? स्टार्ट करने से पहले इलेक्ट्रिसिटी का सेकेंड लेक्चर, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, ये सब के बारे में, यानी लाइट किस में फ्लो हो सकती है, किस में नहीं फ्लो हो सकती। जैसे आपको नॉर्मली तार घर में वायरिंग वगैरह करना, तो हमको पता होना करना चाहिए ना कि इस अच्छा ये लाइट जो हम लगा रहे हैं, तार यहाँ से यहाँ लगा रहे हैं, इसमें लाइट जा सकती है कि नहीं जा सकती है, पता होगा। हमें नहीं पता रहे तो क्या करेंगे, उसमें से लक्कड़ थोड़ी ना लगाएंगे, लकड़ी लगाएंगे उसमें हमारा इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं जाएगा, प्लास्टिक नहीं क्यों नहीं लगा सकते, ये सारी चीज़ें बताएंगे। देखिए, कंडक्टर, कंडक्टर ऐसा चीज़, कंडक्टर वो बस वाला कंडक्टर नहीं जो टिकट 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 मांगता, वो नहीं टिकट, ठीक, खेसारी लाल वाला कंडक्टर। ऐसा चीज़ है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी आराम से इजिली फ्लो हो सके, उसे हम कंडक्टर बोलते हैं। देखिएगा दिया, विच अलाउ करंट, जिसमें करंट को पास किया जा सके, आराम से पास किया जा सके, उसे हम क्या कहेंगे बाबू, कंडक्टर। विच अलाउ यानी करेंट टू पास थ्रू देम, दे है फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन द आउटर मोस्ट शेल, यानी बताइए क्या होता है। ये वायर है सपोज, इसमें बताओ फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इलेक्ट्रॉन जब फ्री रहेंगे तभी ना जा पाएंगे। अब मोबाइल मतलब वो मत समझिए जो बात हेलो हाय पबजी, अब तो आधा जनरेशन क्या हो गई बाबू, आधा से ऊपर जनरेशन, यानी रेलवे लवंडे रहेंगे, लड़के रहेंगे। उसमें यदि 10 लोगों के पास मोबाइल है तो उसमें से कम 6 से 7 लोग हैं वो मोबाइल में बसते हैं, ठीक, धड़ 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 रात भर, वो एक एक दो दो बजे रातें तक खेलते हैं भाऊ, आधा जनरेशन उसी पे ख़राब है। मोबाइल मतलब क्या होता है, बहना, एक जगह से दूसरे जगह तक जाना, मोबिलिटी, उसी तरह से मोबाइल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जब हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन जिसमें रहेंगे, जैसे इसमें है, अब बताइएगा इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री 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 है, चाहे जहाँ जा सकता है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी आराम से जा सकती है, यानी इधर से हम करंट डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन इसे 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 तुरंत धड़ाधड़ 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 भागेगा कि नहीं, तो उसे हम कंडक्टर बोलते हैं। ऐसा मटेरियल जिसमें क्या हो बाबू, इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकें, आराम से आ जा सकें, तो उसे हम कंडक्टर बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल कापर, हम घर में तो वायर जो वायर वायरिंग कराते हैं, कापर का लाते हैं, एल्यूमिनियम का लाते हैं, तांबे का लाते हैं, ये सारा चीज़ें लाते हैं कि नहीं, ये हमारा कंडक्टर होता है। अब बेस्ट कंडक्टर की बात की जाए तो हमारा गोल्ड बेस्ट कंडक्टर होता है। अब बताओ बेस्ट कंडक्टर क्यों नहीं लगा सकते हैं, बताओ। 10 ग्राम का इस समय, एक 10 ग्राम का, 10 ग्राम का दाम हमारा लगभग 40,000, यानी 40,000 है, 40,000 है, ठीक है? अब बताओ कहीं लगा देंगे इसमें, पुलवा पर से गायब कर देंगे चोर, गायब कर देंगे कि नहीं। तो इसीलिए बेस्ट कंडक्टर में हमारा क्या हो जाता है, बेस कंडक्टर में गोल्ड आता है। गोल्ड क्यों, देखिए करिया, जिसमें बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन हो, फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, आराम से एक जगह से दूसरे जगह तक हम या इलेक्ट्रिसिटी को क्या आराम से ले जा सकें। इलेक्ट्रिसिटी यदि जिस साइड में बहती है, सपोज इलेक्ट्रिसिटी इस साइड में है, तो उसका उल्टा करंट आता है, सेम टू सेम समझिएगा। यानी जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है, वो हमारा बेस कंडक्टर रहेगा, जिसमें बहुत तेजी से होगा। इलेक्ट्रिक करंट बढ़ाए थे ना, यानी क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन का धड़ाधड़ 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 बहना, वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट था। तो उसी तरह से हमारा करंट जो बहेगा किसमें, कंडक्टर में, क्यों बहता, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, यानी आउटर मोस्ट पे सेल के पास, इसके पास मूवी यानी फ्री इलेक्ट्रॉन मोबाइल कर सकते हैं, यानी आराम से जा सकते हैं, उसे हम कंडक्टर बोलेंगे। इंसुलेटर क्या होता है, डू नॉट अलाउ, हमारा क्या होता है, जैसे कंडक्टर आराम से बिजली जा रही थी, लक्कड़ हो गया, जैसे ये पोल लगा दिए, ठीक है, ये पोल लगा दिए, बताओ क्या होता है, यहाँ से वायर जाएगा, यहाँ से वायर जाएगा, यहाँ से वायर ले जाते हैं, एक ही करिए लाइन जो जा रही है, बताओ कहीं छुआ ही नहीं है ना, तो बताओ कहीं छुआ ही नहीं, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, पथरी लगाते हैं, पथरी लगाते हैं। पथरी क्यों लगाते हैं, पथरी इसलिए लगाते हैं कि हमारा जो कंडक्टर से पोल में जो लाइट इलेक्ट्रिसिटी जा रही है पोल से, वो हमारा पोल में न उतर जाए, इसीलिए क्या होता है, वहाँ पर पथरी लगा देती है। तो पथरी हमारा इंसुलेटर का काम किया कि नहीं, ये हमारा रोकता है बिजली को, इसमें बिजली प्रभाव नहीं हो सकती, यानी प्रवाह नहीं हो सकती। यानी कहने का मतलब, इंसुलेटर ऐसा चीज होता है जिसमें अलाव करंट अलाव ही ना हो, जैसे कोई चीज किसी को बिजली मार रही है तो क्या करेंगे, लोहे की रॉड लेके जाएंगे, तार पैसे मारेंगे कहा कि पानी फेंकेंगे, पानी फेंकेंगे क्या होगा, मारेगा भन्न से आप ही मर जाएंगे, ठीक। तो उसी तरह से हम क्या करते हैं, एक लक्कड़ लेते हैं या कोई चद्दर वगैरह लेते हैं, लक्कड़ सूखी लकड़ी से आराम से पीटते हैं, पीटते हैं तो हटा देते हैं, तो क्या होता है, आराम से आदमी बच जाता है। इसी तरह से हमारा इंसुलेटर जो लकड़ी यूज कर रहे थे, सूखी लकड़ी, तो हमारा क्या बाबू, इंसुलेटर है। ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, वुड, ये सब सारी चीजें क्या है हमारे बाबू, इंसुलेटर के अंतर्गत आती है। यहाँ जो पथरी लगाई जाती है, पथरी लगाई जाती है, हमारा भी क्या होता है, इंसुलेटर का काम करते हैं, क्योंकि पास इंसुलेटर के पास बताओ फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसके पास जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसा क्या होगा, कोई
नॉर्मली आप पढ़ रहे हैं, फ्री इंसान है, चल वो मेला देख लिया, पर चल फ्री पार्टी कोनो दिक्कत नहीं है, चल तो बताओ क्या होता वहाँ, फ्री लेता है चाहे जहाँ घूमे चले गए कि नहीं। अब ये बताओ इंसुलेटर, इसके पास तो समय ही नहीं है, पढ़ते पढ़ने पढ़ने में पढ़ने के अलावा कोई समय नहीं है, ठीक है, या इतना पढ़ते हैं बाबू, इतना पढ़ते हैं कि 30% लाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो समझ गए इंसुलेटर, यानी सारी काम हमें करना है, घूमना खाना पीना सब करना है, ठीक है, मज़े के साथ रहेंगे तो फ्री पढ़ेंगे, तो फ्रीली पढ़ेंगे तो मज़े के साथ पढ़ेंगे तो आराम से सब कुछ याद हो जाएगा, टेंशन लेके पढ़ेंगे कुछ नहीं याद होगा। इंसुलेटर, इसके पास समय ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहाँ लेके जाएगा, इसके पास घूमने का समय नहीं है तो कहाँ घूमने जाएगा, इसलिए क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है तो इसलिए हमें लाइट ये अलाउ नहीं करेगा, यानी लाइट एक जगह से दूसरी जगह तक हमने, इसका एग्जाम्पल ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, ये सब चाहिए, जैसे वायर हो गया, इसके बताओ ये सपोज मान लेते हैं, यहाँ देखिए ये आपका वायर हो गया, वायर के ऊपर ये जो कवरिंग है किसके, प्लास्टिक के, इसके अंदर कापर कवर आराम से ले जाते हैं, क्यों ले जाते हैं, अब बताओ इसे ऐसे तार पकड़ेंगे तो क्या हमें लाइट नहीं मारेंगे, क्योंकि ऊपर इंसुलेटर लगाया गया, इंसुलेटर इसलिए लगाया गया है क्योंकि लाइट हमें क्या, लाइट में इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन जब मूव ही नहीं करेंगे तो हमें बिजली नहीं मारेगी, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए लगा दिया गया। सेमी कंडक्टर क्या होता है, यानी स्मॉल अमाउंट, यानी थोड़ा बहुत इसमें इलेक्ट्रॉन है बाबू, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस पड़े हैं, यानी सॉलिड के पास जो मटेरियल होता है एकदम से क्लोजली पैक होता है, उसमें क्या कर सकते हैं, क्लोजली पैक होता मतलब उसमें हम इजिली तोड़ नहीं सकते, जैसे सॉलिड यहाँ से एक कंटेनर बनाते हैं सॉलिड का, यह आपका लिक्विड का, यह आपका गैस का, सॉलिड में जो होते हैं हम पार्ट यानी पार्टिकल ऐसे नज़दीक नज़दीक होते हैं कि नहीं, तो ये हमारा सॉलिड एकदम स्ट्रांग है कंडक्टर मान लें, लिक्विड यानी एक इलेक्ट्रॉन कहीं पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, उसी तरह से हमारा सेमी कंडक्टर कहीं पर, गैस में क्या होगा एक यहाँ है एक यहाँ है एक यहाँ है, यहाँ इतना बड़ा नहीं है, कहीं कहीं एक आधा है तो है, नहीं तो नहीं है, ठीक। अब इसका एक क्या निक्रोम, यानी निक्रोम क्या होता है, निक्रोम ऐसा धातु होता है जो आप प्रेस देखें, प्रेस में ऐसे कॉइलिंग के लिए यूज किया जाता है, इसके लिए हीट यूज किया जाता है, मेल्टिंग पॉइंट इसकी ज़्यादा होती है, ठीक है, इसीलिए इसका यूज किया जाता है। ये हमारा बाबू था कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ओम लाह, ओम हूम, ओम नमः शिवाय, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाएगा ओम लाह। उसके बाद सीरीज बनाई जाएगी, जो सीरीज वो सीरीज नहीं जी, हाँ सीरीज मूवी वाला मत समझिएगा, ठीक, पैरेलल सीरीज जो हमारा रेसिस्टेंट है कब यूज करेंगे, ऐसे बल्ब लगाते हैं हम आपके घर में, बल्ब लगाते हैं यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। मिट नहीं रहा है बाबू, बड़ी दिक्कत है, ठीक, देखिए मिटेगा क्यों नहीं, मिटेगा, देखिएगा दिया ओम ओम ला, ओम ला क्या होता है, 1827 में जॉर्ज साइमन ओम ने, जॉर्ज साइमन अपना नाम रख दिया, जॉर्ज साइमन ओम ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने क्या किया था, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था, ये किस पे डिपेंड है, वो रेसिस्टेंट पे, रुकावट समझते हैं ना, रेसिस्टेंट प्रतिरोध, उस पे डिपेंड है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था और हमारा रेसिस्टेंट का भी यानी कांस्टेंट रखा था, और यानी इन्होंने क्या, एक सर्किट में क्या कराए थे बाबू, इलेक्ट्रॉन का बिजली का फ्लो कराए थे, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराए थे, और ये क्या कहे थे, यानी जो हमारा ये यानी जो हमारा सर्किट में जा रहा है करंट जा रहा है, करंट जो जा रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, जैसे क्या होगा इन्होंने क्या कहा था, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंट किसके प्रोपोर्शनल है, जो हमारा करंट जा रहा है उसके प्रोपोर्शनल इन्होंने बताया था, और किसको, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था, उसके बाद टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था, और क्या बताए थे, और रेसिस्टेंट को भी कांस्टेंट रखा था, देखिए करिए ये इन्होंने कहा था वी प्रोपोर्शनल आई, और ये क्या फिजिक्स है, यानी ये इनके बीच में हमें बराबर का साइन लगाना है, और ये कोई भी यानी जैसे प्रथा होती है, राजा का बेटा राजा होगा, होगा पहले होता था अब नहीं होता था, उसी तरह से अभी इसमें क्या होता है, ये इनसेम या ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम किसी एक कांस्टेंट वैल्यू के इसमें घुसेड़ देंगे, बराबर का चिन्ह लगा देंगे, जैसे क्या हो गया वी बराबर आई आर, आर बताओ क्या है, ये ओम ला है, ठीक, और ये हमारा क्या बाबू, पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या बाबू, पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हमारा बाबू क्या है, करंट है, ठीक, और ये हमारा रेसिस्टेंस है, किस पे डिपेंड किया बताओ, रेसिस्टेंट पे डिपेंड किया कि नहीं, रेसिस्टेंट पे डिपेंड किया, ये हमारा ओम ला है, ठीक है। इन्होंने क्या क्या कहा था, इन्होंने कहा था यहाँ से एक ओ बनाए थे, देखिए बनाते हैं, ठीक, एकदम बढ़िया बनाते हैं, कि यानी किस पे कब डिपेंड करता है, ठीक है, यहाँ से हो गया, यहाँ से एक बैटरा लगा देते हैं,
एक प्रतिरोध लगा देते हैं, और यहाँ से हम छोटी सी एक बैटरी लगा देते हैं, बैटरी लगा देते हैं, बैटरी यानी बैटरी एम्पियर लगा देते हैं, एम्पियर यहाँ लगा दिए, और यहाँ से हम एक की लगा दिए, कब ऑन करना है कब हमारे हिसाब में रहेगा, नहीं तो बाबू कभी चल जाएगा कभी नहीं चलेगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। यहाँ से देखिए क्या दिया, ये उन्होंने क्या किया था, एक वी पॉइंट यहाँ, दूसरा तीसरा, यहाँ से बी वन बी टू बी थ्री, आपके एनसीईआरटी में ये एक्सपेरिमेंट दिया गया, ठीक। अब देखिए क्या दिया, ये जो है रेसिस्टेंट, अब इससे यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, एक बैटरी यानी बी वोल्टेज की एक बैटरी जोड़ दी थी, यानी वोल्टास, ये प्लस वाला रीजन, ये माइनस वाला रीजन, और यहाँ से क्या होता है, ये वाई हो गया, ये आपका यक्स हो गया, ठीक। ये हमारा ए मीटर है, ए मीटर यहाँ जोड़ दिया, वोल्टास यहाँ जोड़ दिया, ये हमारा की वाला पोर्सन है, ठीक। अब देखिए उन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था जो हमारा ये करंट है, करंट आई यहाँ से आया, इसमें आया, और यहाँ से प्रतिरोध, यदि प्रतिरोध में जाते जाते क्या होता, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब इन्होंने कहा कहते वी, सपोज आप यहाँ से करंट यहाँ पर क्या कर दिया, यानी जोड़ दिए, तो बताओ इसका कोई काम है कि नहीं, कोई काम, इसका कोई काम नहीं है, कोई काम है कि नहीं, नहीं काम है ना। तो इन्होंने क्या किया था, ये इस पर यदि जोड़ देंगे तो इतने पे हमारा करंट यहाँ से जाएगा, यहाँ से होकर अलाउ कर देगा, इसमें अलाउ, सपोज ये हमारा छोड़ देते हैं, यानी क्या होता है, यहाँ से अटैच कर देते हैं, तो बताओ क्या होता है, लाइट यहाँ से जाएगी, यहाँ से ये भी जोड़ा कि नहीं, ये जोड़ा है कि नहीं, यानी इलेक्ट्रिसिटी ये जो आई है ये कॉन्स्टेंट है, सब पे देखो करिए कॉन्स्टेंट, यानी आई जो हमारा क्या होता है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इस पर लेके जाएगा, यानी टेम्परेचर और रेजिस्टेंट ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू, उस पर रख के मानते हैं। और वी से देखो करिए, यदि यहाँ से करंट जाएगा, ये आई है बाबू, यहाँ से यदि जाएगा तो यहाँ से फिर बताओ क्या होता है, ये दोनों, ये भी अटैच हुआ कि नहीं, अब बताओ क्या होता है, ये हमारा अटैच हुआ, ये अटैच हुआ, ये अटैच हुआ। अब सपोज मान लेते हैं इसे अटैच करते हैं, इसे अटैच करते हैं, तो बताओ सब में फ्लो हुआ कि नहीं। तो इन्होंने ये ग्राफ बनाया था, क्या ग्राफ बनाया था, इन्होंने कहा था वी बराबर आई रहेगी, ठीक, वी बराबर आई रहेगी, इन्होंने बराबर आई का साइन नहीं लगा था, इन्होंने कहा था यदि करंट एक यहाँ से, ये जो V है यानी पोटेंशियल डिफरेंस, इससे अटैच यदि करेंगे तो एक, यदि एक यहाँ से जाएगा तो एक में होगा, यदि दो V रहेगा तो हमारा दो आई हो जाएगा, तीन V रहेगा तो हमारा तीन आई हो जाएगा, चार V रहेगा तो हमारा चार आई हो जाएगा, ठीक, इन्होंने ये बताया था। अब इसी को इन्होंने ग्राफ में किया था, ग्राफ में हम का नॉर्मली ग्राफ कैसे बनाते हैं, ऐसे करके इन्होंने कहा था ऐसे सीधा हो जाएगा, ये हमारा आई वाला पोर्शन, ये हमारा V वाला पोर्शन। अब इसी को कैसे ये बनाते हैं, जैसे ग्राफ में बनाते हैं, तो यानी ऊपर का होता नीचे का होता सारी चीजें बताई हैं। देखिए इन्होंने ऐसे लेकर यहां कर दिया था, इसमें इन्होंने करंट ले लिया था, ये हमारा इलेक्ट्रिक यानी पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया था, पोटेंशियल मान लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लीजिए, डिफरेंस नहीं, डेल्टा लगाएंगे हम, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां से मान लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लिया। इन्होंने क्या कहा था, सपोज ये हमारा आई है, ये आई टू है, ये हमारा आई थ्री है, ये हमारा आई फोर है, ठीक, ये इस वाले पोर्शन पे हम क्या लिए हैं बाबू, करंट लिए हैं, और यहाँ से हमारा ये वी है, ये बी टू है, यानी ये बी वन हो गया, ये बी टू हो गया, और ये हमारा बी थ्री हो गया। अब इसी को इन्होंने क्या किया था, देखिए यहाँ से मिलाया था, ऐसे ऐसे करके यहाँ किए थे, ऐसे करके यहाँ किए थे, ऐसे करके यहाँ किए थे, ये बताओ मिला कि नहीं। इन्होंने यही ग्राफ दिया था, कौन, जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 में इन्होंने दिया था, कौन बाबू, जॉर्ज साइमन ओम ने इस लॉ को दिया था 1827 में, ठीक, चाहे तुम ये भी बना सकते हो ये भी, मगर एक्चुअली देखा जाए तो ये हमारा सही है, एनसीईआरटी में आपके ये डायग्राम दिया है, ठीक है। अब देखिए क्या दिया, इन्होंने ये बता दिया था, अब इसको बताओ क्या होता है, इसको हम कितने तरह से लिख सकते हैं, इस स्पीड बराबर डिस्टेंस अपान टाइम पढ़े थे, बताओ डिस्टेंस निकालना रहे तो इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे, आई निकालना रहे तो इधर से नीचे कर देंगे, उससे वहाँ कर देंगे, उसी चीज़ से क्या होता है, इससे हम वेरीफाई कर देते हैं, यानी इधर उधर कर देंगे, यानी अभी वी निकालना तो आई और आर हमें पता होना चाहिए। अब बताओ क्या होता है, वी बराबर आई और आर, यदि आर निकालना है तो बताओ वी इधर आएगा कि आई इधर आएगा कि नहीं, ये हो गया बराबर आर, ये हो गया। अब आई यदि निकालना रहे तो आई निकालना रहे तो वी डिवाइडेड बाई आर, देखो करिए एक फार्मूला, दो फार्मूला, तीन फार्मूला, अब इसी फार्मूले को इंटर कन्वर्ट करके हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, ठीक। अब देखिए क्या दिया, ये हमारा था ओम कला, ठीक है। अब देखिए क्या दिया, इसमें हम पढ़ेंगे रेसिस्टेंस यानी रुकावट, जैसे क्या हो गया आपके, जैसे हम सब जैसे तार में होता रुकावट, उसी तरह से हमारे बाबू जिंदगी, जैसे जिंदगी में आप जैसे पढ़ रहे हैं तो कोई आएगा सिलेक्शन कैसे हो जाएगा भाई, हाँ पास है ना होगा तुम, कौन दिक्कत नहीं है, दो दो तीन तीन घंटा तुम मोबाइल चला वाला बाबू, हाँ उससे नहीं होता, ठीक है बाबू। देखिए अब यहाँ से रुकावट यानी रेसिस्टेंस पढ़ेंगे, ठीक है, रेसिस्टेंस,
आर से डिनोट करते हैं, इसे हम हिंदी में रुकावट बोलते हैं। अब देखो इसी को अपने लाइफ लाइफ में उतारिएगा। जैसे क्या हो गया, कहीं आप तैयारी करने जाएंगे तो क्या नॉर्मली बोलते हैं, यदि गांव पे आएंगे, बाबू होल के नहीं, उनका लड़का उतना परसेंट ला दिया, उनका लड़का उतना परसेंट ला दिया, उनका लड़का उतना परसेंट, कंपेयर कर रहे हैं बाबू। क्यों कंपेयर कर रहे हैं, सबका माइंड जब अलग अलग है तो क्यों कंपेयर कर रहे हैं? तो उसी को बताओ क्या होता है, वो डिट्रैक्ट यानी तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी पूरी लाइफ में वो चाह रहे हैं कि तुम आगे मत बढ़ो, आगे मत बढ़ो, तो उसे रुकावट बोल रहेगी नहीं। तो जो जिंदगी में रुकावट है उसी को क्या तोड़ते फाड़ते स्प्राइट पीटे हुए डर के आगे जीत है, फाड़ के आइएगा। देखिए रुकावट क्या होती है, रुकावट तार के अंदर जो भी बिजली एक जगह से दूसरे जगह से जाती है उसे जो रोकने का काम करता है उसे रुकावट यानी रेसिस्टेंट कहते हैं। देखो यानी रुकावट टू फ्लो आप चार्ज, ठीक है, रुकावट टू फ्लो आप चार्ज। रुकावट को आप कुछ भी लिख सकते हैं, ब्रेक पुश यानी हिंदी लिख देते हैं, ठीक। जैसे क्या होगा, जैसे यहाँ से नॉर्मली हम एक एग्जांपल बताते हैं, सपोज ये एक वायर है, ठीक है, एक वायर है, यहाँ से वायर, वायर तो लग नहीं रहा है, वायर लगाना मान लेते हैं, मान के दुनिया दुनिया मानने पे चली है, मान सकते हैं नहीं कि नहीं, मान लेते हैं वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, होम गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड है, सुनते ही नाम आ गया हम पे। जैसे क्या होगा, हम सब लोग कभी क्या क्लास में बैठे हुए हैं, इमेजिन से करते हैं, सपोज कोई टेररिस्ट आता, अटैक कर देता स्कूल पे, कर देता, हम उनके पास गन रही था, हम भी तभी सोचेंगे आता, हम क्या करते हैं उसे गन उसका छीन के उसी को धर 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 मार देते हैं सबको, वो इम्प्रेस हो जाती है, अब समझ गए को ओ ये नहीं समझ रहे हैं, बताओ कहते एक गोली एक तमाचा मारेगा तो पता नहीं कहाँ छटक के जाएंगे, उसके पास गन एक गोली मारेगा बुक हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए करिए रुकावट इमेजिनेशन कर लेते हैं, ये वायर है, ठीक है, इसमें बताओ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें चल रहा है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है, यहाँ पर एक पहलवान आ गया हट्ठा कट्ठा, ये जो है इसी को हम रेसिस्टेंस बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो हो रहा है, तो बताओ बीच में आया कि नहीं, बीच में आया कि नहीं, इसे जो रोक रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस यानी रुकावट। जैसे क्या होता है, आराम से ऐसे आराम से पतली गली जा रहे हैं, जा रहे हैं हट्ठा कट्ठा, ऐसे कोई चौड़ा आदमी आएगा, अरे वाह ज्यादा भैया हम ज्यादा, तो ये बताओ क्या होता है, जो रोक रहा है पहलवान हट्ठा कट्ठा है, पर हट्ठा कट्ठा पहलवान वो हमारा रेसिस्टेंट है, ठीक, ये रेसिस्टेंट है। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, डिनोट आर वहाँ तो बता ही नहीं है, डिनोटेड बाई आर से डिनोट करते हैं, ठीक। अब इसका आर से हम डिनोट कर दिए, अब इसकी यूनिट जो होती है, यूनिट जो होती है उसे हम ओम ला पढ़े हैं ना, तो ओम होती है, क्या होती है बाबू, ओम, ओम होती है इसकी यूनिट, यो ओम होते हैं, यहाँ से बता दिए, ठीक। अब देखिए करिए यदि फार्मूला की बात करें, तीनों यहाँ फार्मूला लिखे थे कि नहीं, तो उसी फार्मूला के लिए दिए फार्मूला, ठीक, फार्मूला एक्चुअल फार्मूला ये नहीं है, यानी आर इजकल टू क्या बताए थे, आर इजकल टू बताए थे वी डिवाइडेड बाई आई कर देंगे, ये हमारा एक फार्मूला है, ये ओम ला से है, ओम ला से। यदि एक्चुअल फार्मूला देखा जाए तो आर बराबर क्या होता है, रो यल अपान ए होता है, यानी इसके अंदर कितना रुकावट, कितनी लंबाई, कितने एरिया में हो रहा है वो हमारा, यानी एक्चुअल, तो ये फार्मूला आगे पढ़ के बताएंगे, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन भी लगवाएंगे, ठीक है। ये हमारा क्या था बाबू, ये हमारा फार्मूला था, ये हो गया। अब देखिए करिए इसके बीच में ये जो रुकावट आ रही है, इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रुकावट आ रही है उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिरोध बोलेंगे, ठीक है, प्रतिरोध बोलेंगे। ये हमारा था रेसिस्टेंट। अब इसके कुछ फैक्टर हैं, यानी कारक, यानी क्या क्या हो सकता है कि इसे रोकने के लिए, फैक्टर्स हो गया। अब बताओ क्या होता है, लेंथ ऑफ वायर के लेंथ पर डिपेंड करता है। जैसे आपको मान लें, सपोज यहाँ से तुम आपको ले जाना है बहुत बड़ा तार, यहाँ से ले जाना, चलिए यहाँ से वायर ले गए, तब बताओ क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन जाने में समय लगेगा कि नहीं। नॉर्मली 100 मीटर का रेस रहेगा, मारेंगे उस सैन बोल्ट की तरह भान से, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 9 से 10 सेकंड के अंदर मार देंगे। बताओ 50 किलोमीटर दौड़े रहेंगे तो क्या करेंगे, आराम आराम से दौड़ेंगे। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, यदि लंबा तार रहेगा तो बताओ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे धीरे धीरे आराम से बुढ़ऊ की तरह आराम से जाएंगे। और यदि नॉर्मली बुढ़ऊ की तरह जा रहे हैं आराम से, अब बताओ कहते यदि शॉर्ट यानी क्या होता है, छोटा रास्ता यहाँ से यहाँ तक, तो भागेंगे उस साइन के बोल्ट की तरह भन्न से जाएंगे, तो बताओ कहते वायर पे डिपेंड किया नहीं तीन। यदि आर, यदि कहने का मतलब लेंथ यदि बढ़ाएंगे तो हमारा रेसिस्टेंट भी बढ़ेगा, यानी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल, यल की हुआ कि नहीं, ये बताओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं, धीरे धीरे आएंगे ये भी बताएंगे। देखिए ये लेंथ ऑफ वायर, यानी अब देखिए करिए ये बता दिए, और हम एरिया ऑफ वायर यानी कितना एरिया ऑफ वायर है। जैसे कहते हैं पतला तार लगाओ बेस्ट कंडक्टर रहेगा तो आराम से बिजली चली जाएगी। कहने का मतलब देखिए, यानी इतना मोटा वायर ले लिए यहाँ से भीड़ भाड़, सिंपल से समझिए यार,
जैसे मेले में भीड़ है, मेले में यदि आप किसी को दू तमाचा मार के भागने लगे तो बताओ उतनी भीड़ में भाग पाएंगे कि नहीं भागेंगे। जैसे आप इलेक्ट्रॉन है, आप मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, किसी को मार के दू तमाचा भाग रहे हैं तो भीड़ है बहुत सारा है, तो जो भीड़ है तो हमारा क्या होता है रेसिस्टेंस यानी रुकावट है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन भाग पाएगा कि नहीं, नहीं भाग पाएगा ना। तो यदि ये बताओ क्या होता है, एक आदमी यहाँ कहीं है, एक आदमी यहाँ, इलेक्ट्रॉन आएगा भन से भाग जाएगा, भागा कि नहीं। यानी भीड़ जब नहीं रहेगी, यानी तार जितना मोटा रहेगा रेसिस्टेंस कि ना, देखिए करिया यानी मोटा, जितना मोटा तार रहेगा रेसिस्टेंट उतना कम से लगेगा। सिंपल से अपने लाइफ स्टाइल में सोच सकते हैं। अब बताओ क्या, तो इतना पतला तार है, इतना पतला तार है, इतना पतला तार है, यहीं पर यहाँ पर यहाँ पर बहुत सारे आदमी भीड़ हुए, इलेक्ट्रॉन बताओ जा पाएगा कि नहीं, जा पाएगा नहीं, नहीं जा पाएगा। ठीक, कैसे नहीं जा ही नहीं पाएगा बताओ क्या, तो इसे जाने के लिए यहाँ मुड़ना पड़ेगा, यहाँ मुड़ना पड़ेगा, यहाँ पर धक्का आ जाएगा, पकड़ेगा दू तमाचा झटा झट मारेगा भट्ट से भट्ट। ठीक, ये बताओ लेंथ ऑफ वायर पर यानी एरिया ऑफ वायर पर डिपेंड किया कि नहीं, यानी जितना ज़्यादा सिंपल से समझिए, एरिया यदि आप बढ़ा रहे हैं, एरिया यदि आप बढ़ा रहे हैं, एरिया यदि बढ़ा रहे हैं तो हमारा आर क्या हो जाएगा बाबू, कम हो जाएगा, रेसिस्टेंस कम हो जाएगा कि नहीं, तो बताओ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं। ये एरिया हम बढ़ा रहे हैं, इसे हम यदि बढ़ा रहे हैं तो ये हमारा कम हो रहा है, इसे यदि बढ़ाएंगे तो ये हमारा कम होगा, उल्टा होगा। देखिए एरिया ऑफ वायर होगा, आप टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, यानी टेम्परेचर, टेम्परेचर अभी रो भी बताएंगे, टेम्परेचर कहने का मतलब नॉर्मली आप आराम से बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ से नॉर्मली बैठे, जैसे ये तार है, तार है नॉर्मली, ये एलईडी बल्ब जरा, ये पहले टंगस्टन का तार होता था, जैसे क्या होता है 10 रुपये वाला बल्ब बनाते हैं, ठीक है, ये 10 रुपये वाला बल्ब बना देते हैं, इसके अंदर 10 रुपये वाला बल्ब बना दिए, तो बताओ क्या होता है, इसके अंदर यदि हीट थोड़ा 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 थोड़ा, ये टंगस्टन होता है बाबू, टंगस्टन यानी W। ठीक, इसकी यदि मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो 1880 डिग्री सेल्सियस होता है, 1888 कुल मेल्टिंग पॉइंट, सबसे यानी मेल्टिंग पॉइंट ये सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि बताओ क्या होता है, यदि इसे टेम्परेचर देंगे, यदि वायर है तो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, बताओ क्या होता है, यहाँ से अभी तक इसे यहाँ से तार को आप गर्म कर रहे हैं, ठीक, तार को गर्म कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लैम्प, लैम्प के द्वारा क्या कर रहे हैं, इसे बताओ धीरे धीरे गर्म कर रहे हैं, यदि गर्म करेंगे तो बताओ क्या होता है, टेम्परेचर यदि इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस, बताओ ये इधर उधर भागेंगे नहीं, तो यानी टेम्परेचर यदि इंक्रीज करेंगे तो हमारा रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, सेम टू सेम यहां बता दिए, ये टेम्परेचर हो गया। उसके बाद हमारा नेचर ऑफ मटेरियल आया, क्या होता बाबू, नेचर ऑफ, नेचर, नेचर ऑफ वायर यानी किस मटेरियल का बना हुआ है, ठीक, उसे हम क्या बोलते हैं, मटेरियल, उसे हम बोलते हैं बाबू रो, ये जो रो बताए हैं, ठीक है, ये हमारा चौथा पॉइंट है। ठीक, अब यानी कहने का मतलब रे, रो इसके यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यदि हमारा यानी मटेरियल यदि बेस्ट कंडक्टर रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी आराम से जाएगी, यदि बेस्ट कंडक्टर नहीं इंसुलेटर रहेगा तो हमारी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी, तो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यदि आर यानी रो हमारा बढ़ाएंगे, रो यदि बढ़ाएंगे तो हमारा रेसिस्टेंट भी बढ़ेगा, ये हमारा था बाबू रेसिस्टेंस। इसके बाद हम पढ़ेंगे पैरेलल सीरीज और सीरीज दोनों पढ़ेंगे, ठीक है, देखिए उसके बाद हम इसके अगले चैप्टर लेक्चर में लेंगे, उसके बाद उसमें हम पढ़ाएंगे जो थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल, यदि फिजिक्स पढ़ने पर न्यूमेरिकल ना पढ़ें, न्यूमेरिकल यानी क्वेश्चन ना लगाएं तो बताओ बहुत 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 बड़ी 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 भारी बेइज्जती है, बहुत बड़ी बेइज्जती है, बेइज्जती का घर है। ठीक है, देखिएगा यहां से हम पढ़ते हैं सीरीज, जैसे क्या हो गया ये सीरीज, यहाँ से हम सीरीज हो गया, यानी सीरीज का हम फार्मूला लिख देते हैं R इक्वल टू R1 + R2 + R3, यहाँ से हम सीरीज पढ़ेंगे और उसके बाद यहाँ से हम पैरेलल पढ़ेंगे। ठीक है, पैरेलल ये कॉम्बिनेशन है, रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, इसे हम इसका फार्मूला क्या होता है, यानी 1/R = 1/R1 प्लस कितना होता है 1/R2 + 1/R3, इसी को हम प्रूव करेंगे, ये दोनों को प्रूव करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब देखिए करिए, ये सीरीज इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखो करिए, करंट है, रिमेनिंग कांस्टेंट है, जैसे क्या होगा यहाँ से हम एक वायर बनाते हैं, ठीक है, यहाँ से एक बैटरी सब लगा देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से हम देखो करिए, एक हम सेल लगा दिए इतना बड़ा, ये प्लस है, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, ठीक माइनस हो गया, यहाँ से हम तो क्या ले जा रहे हैं रेसिस्टेंट, एक रेसिस्टेंस यहाँ लगा दिए, दूसरा ले एक रेसिस्टेंस यहाँ लगा दिए, ये तीसरा रेसिस्टेंस लगा दिए, लगा देंगे नहीं तो ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ये हमारा R3 है, ठीक R3 है। इन्हें पर कहने का मतलब क्या होता है, हम करंट को बाबू कांस्टेंट रखेंगे और हमारे पोटेंशियल डिफरेंस R को ऐसे ही रखते हैं। देखिए करिए यहाँ से, अब देखिए करिए यहाँ से हम यानी करंट को क्या कर रहे हैं, फ्लो करा रहे हैं, यानी -2 + यानी हमारा ये रह जाएगा यहाँ से, यानी I हमारा बाबू क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, अब देखिए करिए यहाँ से हमारा करंट जाएगा, यहाँ से सीधे सीधे करंट जाता हुआ आराम से चल जाएगा,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी वन, यहाँ वी टू, यहाँ से वी थ्री। अब हम याद करेंगे, क्या करेंगे, वो वाला बात याद करेंगे, कौन वाला, वी बराबर आई आर, ओम वाला। अब इसी को याद करते हुए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे देखो रेसिस्टेंट है तो आर बराबर क्या होता है, हम बताओ क्या होता है, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ठीक है, ये तो हमारा फार्मूला है। ठीक, अब आर की जगह इसे आप इधर कर दीजिए, आर बराबर क्या होता है बाबू, आर बराबर वी डिवाइड वी बाय आई, ये बता दिए कि नहीं, तो ये बराबर बता दिए, तो ये हमारा ये ही हमें लाना है, यहाँ से ये लेके आना है, उसके बाद हमारा इस यदि वी बराबर आई है तो यानी कि आर बराबर आई उसमें लगाएंगे। ठीक, अब देखिए करिए आर की जगह आप क्या क्या लिख सकते हैं, अब बताओ क्या होता है, यहाँ से हम क्या बताएं, ये हमारा कांस्टेंट, यानी ये हमारा ये वाला, ये हमारा ये, यानी कांस्टेंट आई को हम कांस्टेंट रखें। ठीक, तो वी बराबर क्या होता है, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। ठीक, ये हमारा वी वन वी टू वी थ्री हो गया। ठीक है, अब यहाँ से वी वन वी टू वी थ्री हो गया, अब देखिए करिए इसी को हम क्या वैसे रखेंगे, वी बराबर क्या, वी बराबर आई आर, तो वी की जगह क्या लिखेंगे, आई आर बराबर, अब देखो वी वन की जगह क्या लिखेंगे, आई आर, यानी क्या होता है, आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री, तो बताओ क्या होता है, यहाँ से हम आई को ऐसे रहने दो, आई आर इज इक्वल टू क्या, इसमें से आई कामन ले लीजिए। ठीक है, आई कामन ले लेंगे तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ये हमारा कॉन्स्टेंट हो गया कि नहीं, सर यानी सीरीज में हमें आप ही लगा दीजिएगा, ये हमारा क्या बाबू, ये प्रूफ है, प्रूफ। इसमें हम कांस्टेंट किसको रखें, करंट को कांस्टेंट रखें, आप पैरेलल में चलते हैं, पैरेलल में बताओ क्या होता है, यहाँ से बल्ब देखो कर दिया, बल्ब यहाँ रेसिस्टेंट बहुत सारी चीज़ लगा दी, सेल लगा दी आराम से, यानी इलेक्ट्रिसिटी करंट, यानी इलेक्ट्रिसिटी कभी भी चेंज नहीं हो सकती। दूसरे में आते हैं, जैसे क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी भेज रहे हैं और इस किस में तीन में डिवाइड कर देते, एक हो गया, दो हो गया, और यहाँ से आपका तीन नंबर हो गया, यहाँ से आप रेसिस्टेंस लगा दीजिए, यहाँ यहाँ लगा दिए, ठीक है, यहाँ लगा दिए। अब बताओ क्या कहने का मतलब क्या होता है, देखो यदि आई यहाँ से जाएगा तो क्या होता है, आई यहाँ से जाएगा, यहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा, यानी इसमें क्या कांस्टेंट रखना है बाबू, क्या कांस्टेंट रखना है हमें, इसमें वी कांस्टेंट रखना है। देखिए करिए आई यदि आई सपोज यहाँ से जा रहा है तो बताओ किसमें, आई वन, यानी आई वन में कन्वर्ट हो गया, आई वन यहाँ से आई टू यहाँ से आई थ्री, आई कन्वर्ट हो गया, क्या ये रेसिस्टेंट है, आर वन है, आर टू है, और यहाँ से आर थ्री है, यानी क्या होता है ये डिवाइड हो गया, इसमें हमारा क्या वी जो है, वी हमारा इसमें कांस्टेंट है, इसमें हमारा आई कांस्टेंट, हम इसमें वी कांस्टेंट रखें। ठीक, अब देखिए करिए अब इसे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आई जो बट रहा है उसी को हम लगाएंगे बाबू, इसमें बताओ क्या होता है, वी बट रहा था कि नहीं, देखो करिए वी जो यहाँ से था वोल्टेज, यहाँ से देखो वी वन वी टू वी थ्री, यानी ये बताओ कांस्टेंट नहीं था, तो इसको हम जो बट रहा था उसी को हम क्या करेंगे, उसी को यूज करते, देखो वी को यूज किए कि नहीं, इसमें बताओ आई आई हमारा बट रहा है, आई सब में बट रहा है कि नहीं, आई वन आई टू आई थ्री, आई थ्री में बट रहा है कि नहीं, तो इसे आई से हम फार्मूला लगा के यूज करेंगे। देखो करिए आई बराबर क्या होता है, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, ये लगाएंगे नहीं, आई वन आई टू आई थ्री लगा दिए। ठीक है, आई वन आई टू थ्री लगा दिए, तो बताओ क्या होता है, यहाँ से हम आई का फार्मूला यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, आई से बताओ क्या, यहाँ से कैसे निकालेंगे, आई बराबर क्या हो जाएगा, वी ऊपर है तो वी ऊपर कर देते हैं, आर नीचे कर देते, इसी को लगाएंगे, आई की जगह हम क्या रखेंगे, वी, तो वी लिख दिए, आर लिख दिए। अब बराबर आई वन के लिए, आई वन के लिए क्या लिखे हैं, आई वन के लिए क्या लिखे हैं, यहाँ से देखो कर दिए, आई वन के लिए क्या लिखेंगे, वी आर वन। ठीक है, ये आई बराबर देखिए कर दिया, वी आई वन यहाँ से ले दिए, वी आर टू, और क्या ले दिए, वी आर, यानी क्या होता है, वी आर थ्री, बताओ क्या होता है। अब यहाँ से कामन ले लेते हैं, वी यदि कामन ले लेंगे तो एक बटे आर यहाँ बचेगा, यहाँ बराबर, अब देखिए करिए ये बराबर हो गया, अब यहाँ से हम क्या करें, वी कामन ले लेंगे तो हमारा एक बटे आर वन प्लस एक बटे आर टू प्लस एक बटे आर थ्री, ये बचा है कि नहीं, तो वी से वी हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एक बटे आर बराबर एक बटे आर वन प्लस एक बटे आर टू प्लस एक बटे आर थ्री, ये फार्मूला है कि नहीं, इसी फार्मूले को देखो करिए, ये हमारा प्रूफ है, छोटा है बहुत, कुछ नहीं करना है, तो इसी पे बहुत सारा क्वेश्चन दे जाएगा। ठीक, इसके बाद हम दूसरे लेक्चर में, लेक्चर नंबर थर्ड में स्टार्ट करेंगे जूल ऑफ हीट, और हमारा कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे, और कुछ हमारा इक्विपमेंट है जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है बाबू, यूज होता है, सारी चीज़ें दोबारा बता रहे हैं, सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो ये फार्मूला याद करिएगा, फार्मूला मतलब याद करिएगा, आर बराबर आर वन प्लस आर टू आर थ्री, सिंपल से लगा दिए कि नहीं, यहाँ से लगा दिए तो हमारा बताओ इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट रखे थे, इलेक्ट्रिक जा रही है आराम से जा रही है, यानी वी हमारा डिवाइड हो रहा था, वी को यूज कर लिए, इसमें हमारा वी कांस्टेंट रखे, आई हमारा डिवाइड हो रही है, आई वन आई टू आई थ्री, आई को रखते हुए हम क्या कर देंगे, ये फार्मूला लगा दिए, ये हमारा प्रूफ हो गया, इसके बाद आगे यानी लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक, और पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।